तो अभी जो मैं नेक्स्ट मॉडिफिकेशन करने जा रहा हूँ वो मेरे बाइक का हेडलैम्प का लाइट चेंज करने के लिए जा रहा हूँ। इतनी अच्छी बाइक है बट जो स्टॉक हेडलैम्प येलो हैलोजन बल्ब दिया हुआ है। सो ये जो मैं चेंज कर रहा हूँ वो मैं खुद से चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं कितना सक्सेस हो पाता है। मैंने लाइट परचेज़ किया है वो है नाइट आई का। परचेज़ करते समय मैंने वीडियो शूट नहीं किया था, उसके साथ में ही मैंने और एक चीज़ लिया था जो कि है ये टूल बॉक्स। इस टाइप का कुछ टूल बॉक्स है, तो नए टूल बॉक्स के साथ नई बाइक के ऊपर लाइट का हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। तो चेंज करने से पहले मैं आप लोग को पहले इसका जो स्टॉक लाइट है उसका पावर दिखा देता हूँ। ये स्टॉक लाइट का पावर है, जैसे ही मैं इसको ये हाई बीम करूँगा तो ये हाई बीम है, ये लो बीम है, ये हाई बीम है, तो ये लो बीम है और ये हाई बीम है। एक बार मैं आपको पूरा लुक दिखाता हूँ बाइक का कैसा दिख रहा है। तो ये DIY करने से पहले मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे, डिफ़िकल्टी लगी इसके वजह से लोग इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो लाइट का इफेक्ट कैसा आ रहा है, ये अभी नॉर्मल लाइट है, अभी मैं इसको हाई बीम करके देखता हूँ। तो ये हाई बीम का इफेक्ट है, गाड़ी अब मेरी कुछ इस टाइप से दिख रही है। मैं दोनों भी इफेक्ट साइड बाय साइड डाल दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बताना कि किसका ल्यूमिनेंस ज़्यादा दिख रहा था। ये वैसे मैंने जो लाइट लगाया है वो नाइट आई का आई गेस 500 और 700 ल्यूमिनेंस का लाइट है। इसके बाद में मैं अभी मैट डॉग का अल्फ़ा फिट करने वाला हूँ। ये जो मैंने मेरे लास्ट ब्लॉग में ऑलरेडी अनबॉक्स किया हुआ था मोटोवुल्फ का कैमरा ब्रैकेट है ये, सो इसको भी फिगर आउट करूँगा कौन से एंगल पे बैठाना बेस्ट रहेगा।
तो गाइस वीडियो पूरा हुआ एडिट हो चुका है और टोटल 5 मिनट्स ड्यूरेशन का बन चुका है। तो होप करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, हिट द बेल आइकन टू गेट द इंस्टेंट नोटिफिकेशन। मिलते हैं आपको ऐसे ही किसी बढ़िया सी ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।